अच्छा दो पीस आप देख सकते हो। ओ मैन, सो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी जस्ट मैं यहाँ पे सो रहा था अराउंड दोपहर के 1-2 बज रहे होंगे और अचानक से मेरे को कॉल आया। कॉल से मैं उठा हूँ और कॉल में थे प्रेम भैया मेरे को बोले कि आइए बड़ा तालाब में। यहाँ बड़ा तालाब मेरे घर के जस्ट थोड़ा से दूर में ही पड़ता है, तो मैं बोल के बड़ा तालाब क्यों आऊँ, तो बोले कि यहाँ पे एक 6 से 7 kg का एक मछली यहाँ पे मछुआरे ने मारा है और वो जो उसे बेचना चाह रहा, तो कम से कम 4-5 शेयर चाहिए उस पर। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो हमारा भी एक शेयर आप करवा लीजिए, तो जस्ट वहीं पे जा रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, उठना तो पड़ेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उठते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं किस टाइप का मछली है, कहाँ से कट होता है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो बने रही ब्लॉग के साथ, कोई अंदाजा नहीं है कैसा ब्लॉग बनेगा, तो जैसा ही बनेगा देख लीजिए। तो गाइस अभी जो मैं घर से निकल गया हूँ और यहीं पे सामने ही में आपका बड़ा तालाब है जहाँ पे प्रेम भैया ने बोला सामने खड़ा रहने के लिए, तो जस्ट देखते हैं यहाँ पे खड़ा है कि नहीं। और जस्ट यहीं पे सामने में देखो यहाँ पे फनकैसल भी है, तो आई थिंक सो खड़ा होंगे, तो देख लेते हैं कहाँ पे देख सकते हो। यही है बड़ा तालाब जो कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 किलोमीटर ही चल के आओगे तो यहाँ से मिल जाता आपको। तो इसी तालाब में बीच में भी देखिए यहाँ पे मछली वगैरह सबको यहाँ पे पाल रहे हैं। तो यहीं पे कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा साइज के जो मछली वगैरह आ जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का पतला यहाँ पे एक रास्ता टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। एक हाथ से चलो यहाँ पे स्कूटी वगैरह चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा जगह है। शाम में आप यहाँ पे आओगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे सनसेट वगैरह देखने में कोई बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं कहाँ पे देखो मछली वाला प्रेम भैया तो बोले वहाँ पे आगे में, तभी कुछ ऐसा है कि तालाब जो है पीछे है बट लेकिन पता नहीं वहाँ मछुआरा कहाँ चले गया है, वो खोज मिल नहीं रहा है। तो अभी जस्ट प्रेम भैया बोले कि इस रास्ता से सीधे पकड़ के आ जाओ, ओके। आप देख सकते हो इस तरीके का जगह है और वहाँ पे देखो प्रेम भैया मेरे खड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। अरे कहाँ प्रेम भैया, कैसे हो गया? और ये रहे प्रेम भैया हमारे, कहाँ से घुमा फिरा के लेते हैं। देखिए भाई आप कहाँ वेट कर रहा है? वहाँ वेट कर रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं जस्ट उनका घर में। पता नहीं यार देखो कहाँ से आना जाना पड़ रहा है एक मछली के लिए, आप देख सकते हो। कहाँ जाना है इसके बाद? इधर से राइट, इतना जद्द तो जहद करना पड़ रहा है यार। देखो अब इनके जो है घर ही आ चुके हैं, घर बस यही है, पहुँच चुके हैं हम लोग। तो भाई साहब देख लो घर आना पड़ गया, तालाब में कब का मछली हो चुका था, अब हम लोग पहुँच गए हैं। और ये रविंदर जी है, रविंदर जी इधर थोड़ा देखिएगा। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इस बाइक पे यहाँ पे लगा हुआ है ये, और इसी पे जो है ये पकड़ करके लाए हैं। काफी बड़ा, देखो इस थैल में भी नहीं आ सकता था, ये अलग से यहाँ पे लाया गया। सो क्या आप अभी देख सकते हो ये नेट में ही पकड़ते हैं ना अंकल? हाँ इसी पे पकड़ते हैं ये। बाप रे कितना बड़ा है, एक ही पीस है ना? अच्छा दो पीस आप देख सकते हो। ओ मैन बाप रे, साइज देख सकते हो, साइज देखो यार कितना बड़ा है। अरे गोल्ड फिश जैसा दिख रहा है। एक और है आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का, और इसे प्रेम भैया निकाल रहे हैं। प्रेम भैया अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त, देख सकते हैं और आप देख सकते हो, बाप रे वाह देख सकते हो कितना। इसपे अंडा भी है ना? इस पे अंडा भी है देख रहे हैं, जिंदा है ये देखिए इसका। रविंदर भैया आप थोड़ा अपना कुछ बताइए, ले लो इसका। अच्छा थंबनेल ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे मेजर किया गया कितना किलो हुआ? 5 kg समथिंग का। देखिए ये हुआ आपका कितना के जी? यहाँ से जो हम लोग मछली ले लिए हैं और प्रेम भैया ये रहे, और यहाँ पे देखिए थैला में रविंदर भैया के हाथ पे है, और अभी भी जिंदा ही है ना? अभी भी जिंदा ही है। और यार इस थंबनेल पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था यार, समझ में नहीं आ रहा था कैसे पकड़े। फिर भी प्रेम भैया ने बोला किसी तरह पकड़ लो थंबनेल, लेते भाई थंबनेल के लिए तो जरूरी है पकड़ना। अभी जो ऐसे जो है यहाँ पे कटवाने कहीं पे जा रहे हैं और मार्केट में यहाँ पे कटेगा, और प्रेम भैया जानते हैं कहाँ कटता है भैया बता दे। इधर थोड़ा आगे चट्टी में कटता है, इधर भी दिखाइए। अरे आप ही को तो दिखा रहे भैया, देखिए तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मछली का ऊपर वाला पार्ट निकल रहा है, क्या बोलते हैं भैया इसको? चोया। क्या बोलते हैं? छिलका होता है। अरे छिलका बोलते हैं, कहाँ चोया कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट पहले निकलता है और निकलने के बाद यहाँ पे कट किया जाता है। प्रेम भैया यहाँ पे, रविंदर भैया वहाँ पे, बिजी भैया आए कर दीजिएगा।
आप ही को जूम कर दिए, टेंशन न लीजिए। और ये रविंदर भी अपने पर्स से निकालते हुए, कितना निकालना चाह रहे हैं? बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, काहे का कष्ट है। प्रेम भैया का पॉकेट से निकले तो बेस्ट। सो अभी हमारा यहाँ पे हो गया कट, और प्रेम भैया बड़ा खुश नजर आ रहे हैं झोला पकड़ के, क्योंकि पैसा तो लगा है रविंदर भैया का बनवाने में। अरे प्रेम भैया निकल गए पीछे से। चलिए भैया कहाँ, इसे भी कट करवाने, कट तो हो गया है, अब इसे डिवाइड करवाना, क्योंकि एक मछली जो है कितने में डिवाइड, पांच लोग, पांच लोग पे डिवाइड होना है, तो पांच लोग पे डिवाइड हो गया, जिसमें एक पार्ट हमारा भी है, एक पार्ट हमारे रविंदर भैया के है। खुश नजर आ रहे, चला जाए तो, चला जाए तो। पैसा किसका लगा है? किसका पैसा सबसे ज्यादा लगा है? ₹50। उसके बाद नहीं देंगे पैसा। हाँ, उसके बाद पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो है डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेयर था, शेयर होल्डर सभी यहाँ पे तीन ही है, लेकिन और दो शेयर होल्डर किधर है भैया? शेयर होल्डर किधर है भैया? प्रेम भैया का लेयर सो किधर है भैया? और दो, अच्छा गिनिए, काउंट, अरे काउंट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सभी हमारे यहाँ पे प्रेम भैया जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी शेयर होल्डर्स का यहाँ पे शेयर लगा हुआ है। टोटल हमारे कितने शेयर होल्डर्स थे भैया मछली में? पांच शेयर होल्डर्स है, जिसमें से तीन तो प्रेजेंट है, जिसमें एक मैं शेयर होल्डर हुआ, एक हो गया हमारे हमारे रविंदर, अरे सब मिस्टी मिस्टी बोल के गड़बड़ कर दे, इनका निक नेम मिस्टी है, रविंदर भैया से इनका पूरा जो है आधार कार्ड वाला जो नेम होता है ना, आधार कार्ड में जो नाम रहता है वही है। okay. तो अभी फोन आ गया है कुरियर वाला यहाँ पे, तो एक बार कुरियर लेके आते हैं। तो कुरियर लेके हमारा हो गया, यहीं पे सामने में आ गए थे, और मैंने यहाँ बेकूफ से तीन टी शर्ट ऑर्डर करवाया है, और ये रहा प्रेम भैया घर, प्रेम भैया घर पहुँच गए। चलिए मछली में कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही अच्छा है, मजा आ रहा है यहाँ। हो गया भैया डिवाइड, किस पे किसके कितना गया पीस बता दीजिए? शेयर होल्डर का सही सही गया ना सब, क्वालिटी खराब हो जा रहा है, आईफोन से शूट कर रहे हैं फिर भी ये सब दिखा के क्वालिटी खराब नहीं करना है, है ना रविंदर भैया? सही बोले ना, अभी नाम प्रॉपर याद है हमको, रविंदर भैया यही नाम है, बस यही नाम है। क्या मंगवाया? तीन टी शर्ट मंगवाए भैया, एक यहाँ पे ये टी शर्ट हुआ, एक यहाँ पे ये टी शर्ट हुआ, अरे नंबर दिख जाएगा ना 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 ना, और एक एक यहाँ से जॉगर मंगाए, जॉगर्स। मेरा प्रेम भैया का कुआं, यहाँ भी मछली पालन होता था, लेकिन मछली पालन करते करते प्रेम भैया ने सारे मछली को अपने पेट में डाल दिया, यानी कि सारे मछली खा गए। भैया बताइए क्यों खाए? सारे मछली जितने आपने पाले थे उसे आप खा गए हैं, क्या आपको इसका पछतावा है? कोई पछतावा नहीं, मछली पालते ही खाने के लिए हैं। सही बात, एकदम करेक्ट। रविंदर भैया क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप इनको? तभी यहाँ पे बंटवारा किया जा रहा है, पीस देख करके बंटवारा हो रहा है, जिसमें अच्छा पीस होगा उसको हमारे प्रेम भैया ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाथ बटाए हैं। ओहो, तो देखिए हमारे बिल्ली साहब भी आ गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये रहे मछली आता पता चला नहीं, और हमारे बिल्ली जी आ गए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं, मछली चाहिए क्या? मछली, अरे मिल गया इनको, वाह प्रेम भैया हमारे दानी प्रकार के प्रजाति है। बिल्ली मौसी खुश हो गई है, और ये आप देख सकते हैं चेहरे से ही पता चल रहा है। अच्छा ये हमारा हिस्सा है, अच्छा ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है प्रेम भैया का हमारा बगान, यहाँ पे बहुत सारे ये खेती वगैरह कर लिए हैं। क्या क्या भैया लगाए हैं थोड़ा बताइएगा? क्या टमाटर है, टमाटर है, लहसुन है, पालक है, पालक है, धनिया है, धनिया है, और लीची भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं लीची भी है, लेकिन आज तक खाने को कभी दिए नहीं है, इस चीज का कमेंट में थोड़ा क्रिटिसाइज कर देना। बचपन में आता था ही, खाता था, लेकिन भुला गया। अरे नहीं, हमको नहीं मिला भैया, ये सरासर झूठ है, मुझे नहीं मिला हुआ है, क्लियर सर बात बता रहा हूँ। इधर और भी है, बड़ा शांत है जगह, बहुत अच्छा है, गर्मी में समय काटने के लिए अच्छा जगह है, बहुत अच्छा। और ये मछली के महक से छुटकारा मुझे मिल चुका है, कांड करने के बाद किसको हाथ धोते हुए, क्योंकि हमने इतने बड़े मछली को ऐसे पकड़ा हुआ था, और जो स्मेल हाथ से आ रही थी वो सारे बालों में, सारे बालों में, हाँ आने तो बालों में, घर जाके नहाना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रेम भैया पानी का कम उपयोग करें, इतना बाहर नहीं जाता, गलत कर रही, जिम भी जा रहे, बॉडी भी बन गया।
मछली खाओ और बनेगा। अरे अरे पीछे क्या पड़ गए? प्रोटीन 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 पी के बॉडी बनाया भैया है देखिए। प्रोटीन जीता जागता एग्जांपल प्रोटीन वाला बॉडी है, जिम वाला बॉडी नहीं है। क्लियर? मछली वाला प्रोटीन का बॉडी है। अच्छा मछली वाला प्रोटीन, इसीलिए आप समझ में आया। जहाँ 5 kg वाला मछली जहाँ आता है, यहाँ तालाब तालाब यहीं पे बगल में ही है, इनको सबसे पहले फोन किया जाता है कि आ जाइए प्रेम भैया, 5 kg वाला मछली आ चुका है, शेयर होल्डर्स लेके आ जाइए। जिसने आज ही हमें फोन कर दिया, आज हम आ गए, बस सिंपल। एक एक ब्रश भेज दो ये भाई, कोई स्पॉन्सर वाला देख रहा था, एक ब्रश भेज दो यार, कोई तो ब्रश भेज दो ब्रश बगल में रखा ना, दिख नहीं रहा। लीजिए मार लीजिए भाई, तभी हम यूज करने वाले हैं धोने के लिए सर्फ एक्सेल। कपड़ा धोने की जगह हाथ धोएंगे अपना आज। ये तो हम भी धोएंगे, आज हम भी धो ही लेते हैं सर्फ एक्सेल से। कपड़ा धोते हुए सुना है, देख लीजिए हाथ धोते हुए भी आज देख लीजिए। कपड़ा धोते हुए सुना होगा, हाथ धोते हुए। अब जमीन धोते हुए भी देख लीजिए। अरे इसको कोई चला देगा तब तो। अभी नहीं चलाना है, अभी नहीं चलाना तो ये तो बड़ा धोखा हो गया यार। शेयर होल्डर है आपका भाई, ऐसा करिएगा बताइए, अपना शेयर हम वापस ले सकते हैं। पैसा खाया तो अपना पैसा। अरे ऐसे नहीं बैठने, गलत ऐसे बैठने से गलत हो जाता है, सही बोला ना। वाह सर्फ एक्सेल से धोने से भी हाथ में देखो ये बन जाता है, क्या बात है भैया, से आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहला बात, 5 kg मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस, सर्फ एक्सेल से हाथ धोने का एक्सपीरियंस, सब कुछ आ गया ना भैया। थैंक यू सो मच इतना एक्सपीरियंस देने से। अब बाल पकड़ सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, सर्फ एक्सेल से धोया गया है। सबूते मिटाए जा रही है जितना भी यहाँ पे कांड हुआ, आप सभी लोगों को तो पता है ना, अच्छे से छोटा छोटा सबूत इधर को मिटाए जा रहे हैं, छोटे छोटे सबूत बचे हुए दिखा, छोटा छोटा सबूत यहाँ बचे हुए हैं, छोटे छोटे जिसको इस तरह से नहा लीजिए ना भैया, क्या दिक्कत है, नहा लीजिए। अरे इतना सोचना क्या, अपना ही घर है आपका, प्लास्टिक को पकड़िए, पानी उड़ रहा है उसमें, पानी उड़ भी सकता है, सोच लीजिए, मजाक बात है। सोके गाइस अभी जो है वापस घर आ चुका हूँ, और मेरे को जरा भी आइडिया नहीं है कि ब्लॉग कैसा बनाऊंगा, क्योंकि पूरा हमने फुल एंड फुल मस्ती ही किया है, तो जो भी मस्ती है उसी को मैंने शूट करके आपको दिखा दिया। और अगर कुरियर की बात की जाए तो उस पर आया था 2-3 टी शर्ट और एक जॉगर्स जो कि मैंने अभी पहना हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो ये मैंने एक टी शर्ट परचेज किया रेड कलर का, ये जिसमें लिखा है व्हाट गोज अराउंड एंड बैक में लिखा होगा कम्स अराउंड। और उसके बाद ये एक जॉगर परचेज किया जो कि बैटमैन का लोगों के साथ है, ब्लैक कलर में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कपड़े की। और एक मैंने सुपरमैन वाला ये भी टी शर्ट परचेज किया, तो ये 3 चीज़ मैंने परचेज किया था जो कि कुरियर के साथ आया है। कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है यार, मतलब टी शर्ट रेड है, ब्लैक जॉगर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और अगर ब्लॉग जरा भी पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा ब्लॉग में। वो चीज़ मैं एनालाइज करने की कोशिश करूँगा कि क्या आप लोग को अच्छा लगता है देखने को ब्लॉग में। यही थी आज की ब्लॉग, शॉर्ट एंड सिंपल जैसा भी था, पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मिलते हैं साथ, अच्छा चलिए बाय। प्रेम थोड़ा सा मत झुको, माचो दिख रहा है।